हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे छोटे से शेयर के बारे में बात करेंगे जो 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये वो कंपनी है जहां पर प्रमोटर जो है वो पिछले काफी वक्त से बहुत ही बड़ी तेजी से क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर चुपके से यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी उठा रहे हैं और बहुत ही सस्ते दाम पर उठा रहे हैं। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो छोटा सा शेयर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। शायद तो काफी लोगों ने अब यहाँ पर गेस कर लिया होगा, क्योंकि तो 34 रुपए को मैंने पहले ही बोल दिया, तो वो है मैन इंफ्रा। 34 रुपए का शेयर है, आज भी 2% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 6% का ग्रोथ भी है। 30 रुपए का लो था, बढ़िया रैली आई, फिर हल्की सी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट भी चल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 20% का ग्रोथ है, अपने प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर ही अभी निकल चुका है। आप देखिए, प्री कोविड लेवल इसका 32 रुपए के आसपास था, गिरावट आई 14 रुपीज तक गया। लेकिन देखिए, हर तेजी के बाद एक गिरावट आई जरूर है, लेकिन जितनी गिरावट आई उससे कई ज्यादा बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर उससे बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर अब बहुत बड़ी रैली। अगर यहां से गिरावट आती भी है तो डरने की उतनी ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरावट जितनी आएगी उससे बड़ी रैली भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 3 साल में अगर हम देखें तो मैन इंफ्रा में 51% की अभी भी गिरावट है। 71 रुपीज के लेवल से टूटकर शेयर बहुत ही नीचे आया है, अब धीरे धीरे एक तेजी की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ रहा है। 10 साल में देखें तो 13% की अभी भी गिरावट है, 72 रुपीज तक का हाई है और 40 रुपीज तक का लो भी हमें देखने को मिला है। छोटा सा शेयर है, 885 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप शेयर है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। मुश्किल से 3.5 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर ने सेप्टेम्बर क्वार्टर में बिकवाली जरूर की है, ठीक है, लेकिन प्रमोटर वही प्रमोटर जो है उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में बड़ी खरीदारी भी की है। आप देखिए, जून क्वार्टर में जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 64.58% थी, उनकी सितंबर में 58.97% की होल्डिंग देखने को मिल गई, मतलब बड़ी गिरावट आई प्रमोटर के द्वारा। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी की है, उसका ये जीता जागता सबूत है। आप देखिए, सिर्फ दिसंबर महीने में ही प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ बाइंग की है। 31 दिसंबर 2020 को 34 रुपए के भाव पर 53,000 शेयर्स खरीदे गए हैं प्रमोटर्स के द्वारा। 30 दिसंबर को भी तकरीबन तकरीबन 1,45,000 शेयर्स खरीदे गए हैं प्रमोटर के द्वारा 34 रुपए के भाव पर। 21 दिसंबर को जब 32-33 रुपए का शेयर था तब 14,000 शेयर खरीदे गए हैं। 21 दिसंबर को अगेन जब 32 रुपए का ही था तब 70,000 शेयर खरीदे गए हैं। 33 रुपए के भाव पर 15 दिसंबर को 16,000 शेयर्स ऑलमोस्ट खरीदे गए हैं और उसी 15 दिसंबर को 70,000 शेयर 33 रुपए के भाव पर खरीदे गए हैं। तो देखिए, ये चीजें होती है जो हमें जाननी होती है कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है यहाँ पर। और पिछले 6 ट्रेडिंग जो प्रमोटर ने की है वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने के लिए ही की है। प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है और वो भी 33, 32, 34 रुपए के प्राइस में खरीदी है। तो यहाँ पर अभी भी अगर हम देखें तो शेयर उससे ज्यादा महंगा तो नहीं है, अभी भी शेयर 34 रुपए पर ही है, उसी प्राइस पर है जिस प्राइस पर प्रमोटर ने खरीदारी की है। और प्रमोटर ने अभी लेटेस्ट में ही खरीदारी की है, जनवरी महीने में भी उम्मीद है कि प्रमोटर और बढ़िया खरीदारी करते हुए देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। आप देखिए, एफआई से अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। इंश्योरेंस कंपनी जो जून में थी ही नहीं पिक्चर में, उनके पास भी 0.95% की होल्डिंग अभी की हालत में देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 25.50% के आसपास है। और देखिए, छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। मार्च महीने में आप देखिए, पिछले साल इन्होंने 27% का डिविडेंड पे किया था, मतलब 55 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मैन इंफ्रा के द्वारा पे किया गया है। मैन इंफ्रा के बारे में अगर हम एक और चीज देखें तो जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है यहाँ पर।
उसके अलावा 100% लोग आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है और बड़ी तेजी आएगी। और इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी जो मैंने आपको दिखाई, देखिए पिछले जो 6 ट्रांजेक्शन है वो प्रमोटर ने, वो भी दिसंबर महीने में ही, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में 6 बार प्रमोटर ने खरीदारी की है और बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। हाल फिलहाल में अगर हम एक और चीज देखें तो मैन इंफ्रा की जो बोर्ड मीटिंग कब होनी है, कब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उसके बारे में अभी तक कोई बड़ी खबर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको इनके डेट्स इसके बारे में सामने आ जाए। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यूज काफी बड़े इंप्रूव हो रहे थे। 95 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू पहुंचा जरूर था, लेकिन बाद में डिक्रीज भी आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि इनके जो नेट सेल्स थे उसमें 42 करोड़ का इनका नेट सेल्स आया है सितंबर में और 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि कम है प्रॉफिट, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा था, पिछले साल के मुकाबले अच्छा था, क्योंकि पिछले साल 3 करोड़ का इनका नुकसान हुआ था। और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा है, 31 का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखने वाली बात है कि दिसंबर में किस तरीके के नतीजे कंपनी रिपोर्ट करती है, और जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि नतीजे इसके अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जून वो क्वार्टर था जब लॉकडाउन था, सारा कामकाज बंद था, तब भी 2 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट था। सितंबर अनलॉक के फेज में था, लेकिन फिर भी 1.44 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। दिसंबर ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस में काम करने लग गए थे, और इसी के चलते हो सकता है कि शायद और बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। और दिसंबर क्वार्टर वो क्वार्टर होता है जहां पर लोग बड़ी खरीदारी करते हैं, खास करके फ्लैट्स में लेकर, घर को लेकर, और जो बड़े बड़े टेंडर्स भी होते हैं वो आपको उस क्वार्टर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं, अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ओन करते हैं, अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओन करते हुए नजर आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज भी। और अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है, और प्रमोटर तो धीरे धीरे चुपके चुपके ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को खरीदारी कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल मैन इंफ्रा डेफिनेटली आपके पॉकेट में होना चाहिए, और ये वो शेयर है जो उसमें आपको आने वाले दिन में और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इसका जो प्राइस चार्ट है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से मूव करेगा, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तेजी आएगी। अभी यहां से गिरावट भी आएगी और उसके बाद तेजी भी देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती नहीं करनी है। आपको पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदने हैं। अगर गिरावट आती है तो और 200 शेयर की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैन इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।